हे गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और देख लो हेयर कितना चिपकू चिपकू लग रहा है, इसीलिए मैं हेयर बैंड लगा कर रखता हूँ। पहले उसको लगा लो उसके बाद बात करता हूँ। हाँ जी, तो अब बढ़िया है। वैसे देख लो टाइम अभी कितना हुआ है, 9:54। वापस से मैं अपने पुराने वाले रूटीन में आ गया हूँ, क्योंकि सुबह मैं 6 बजे ही उठ गया था। फिर 2 घंटा मैंने वीडियो एडिट किया, उसके बाद से फ्रेश हुआ जाकर, और अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है, वो कर लूंगा, बट उससे पहले मैं वीडियो को लाइव कर देता हूँ पहले। तो बस मेरा काम हो गया कम्प्लीट। अभी देख लो कितना टाइम हो रहा है, 9:58। 10:15 तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। चलो अब जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, और हमेशा की तरह ये होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट, चाय और पेटिस। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चला गया था बाहर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम से। वहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और परमिशन के साथ मैं गया था। बाहर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। वैसे अभी टाइम देख लो 6:51 हो गया है, और मेरा चाय भी रेडी है यहाँ पे। कहाँ गया, ये रहा मेरा चाय भी बनकर रेडी है। तो अभी सोच रहा होगा हम लोग क्या यूनिक कर सकते हैं, बट उससे पहले मैंने एक शायरी बनाया है, वो सुन लो आप लोग। अभी जैसे कि मेरा पेटिस खत्म हो गया है, तो ये जो शायरी है पेटिस के ऊपर है। पेटिस हो गया है मेरा खत्म, समझ नहीं आ रहा है कैसे रहेंगे उसके बिना हम। चलो कोई नहीं, कल जाकर हम नया लेकर आएंगे, तब तक बिस्कुट से काम चलाएंगे। और आई नो थोड़ा क्रिंज लगता होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए चलता है इतना। वैसे एक कमेंट मैंने देखा कि मोहित आप हमेशा नॉन वेज खाते रहते हो, आपको वेज खाना पसंद नहीं है क्या? चलो यहाँ तक तो ठीक था, इस टाइप के कमेंट मेरे को आते रहते हैं जब भी मैं ज्यादातर नॉन वेज पे ही वीडियो बनाता हूँ। पूरा कमेंट सुन लो क्या था, मोहित आपको वेज खाना पसंद नहीं है क्या, हमेशा नॉन वेज ही खाते रहते हो, लगता है वेज खाने वालों को पसंद नहीं करते। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसी बात पे आज मैं सिर्फ वेज ऑर्डर करूंगा, और ऐसे जगह से वेज ऑर्डर करूंगा ना जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हाँ, आज मैं जो वेज खाना ऑर्डर करूंगा अपना KFC से, मतलब जो चिकन के लिए स्पेशलिस्ट है वहाँ से मैं वेज खाना ऑर्डर करूंगा। वेज में क्या क्या ऑप्शन उनके पास, पहले जाके देखता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, तब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और KFC से खाना ऑर्डर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे वेज खाना नहीं पसंद, तो मैं बता दूं मेरा जो फेवरेट खाना है वो चिल्ली पनीर एंड वेज पुलाव है मम्मी के हाथों का। वैसे तो काफी लोग KFC का सारा मेन्यू ही ऑर्डर कर देते हैं, बट मैं क्या करूंगा, सिर्फ वेज आइटम सब ऑर्डर करूंगा। वेज में देखता हूँ क्या क्या इनके पास। चलो भाई इसको ऐड करते हैं, जिंगर बर्गर को। राइस बाउल है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। चोको मट पाई, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने खाया था, अच्छा लगा था हमें, तो इसको भी ऐड करते हैं, ये भी तो वेज है ना। फ्राइज के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लार्ज और एक मीडियम, तो मैं करता हूँ मीडियम वाला। क्रिस्पर बर्गर, तो मैंने क्या ऑर्डर किया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना है ये जो क्रिस्पर बर्गर है और जिंगर बर्गर है सेम है या अलग अलग है। बिल्कुल सेम लग रहा है। वेज पैटी को भी मैंने ऐड कर लिया है, और कुछ तो है नहीं वेज में। तो देख लो ये सारे आइटम मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। भाई साहब टोटल देख लो 950 रुपए का बिल बना है। चलो फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया है। वैसे तो मैं सारा दिन घर पे था नहीं, मम्मी मैं तो सारा दिन वैसे घर पे नहीं था, तो तुम क्या किया सारा दिन? काम था, कर लिया, उसके पास पिक्चर देख रहे थे। कौन सा? धर्मकांटा। वैसे आज मम्मी डिनर क्या बनाने का सोची हो? सोचे थे आलू पराठा बनाने के लिए, बट मैंने मम्मी को अपना बनाने के लिए मना कर दिया। मैंने बोला कि तुम अपना बना लेना, क्योंकि मैंने KFC के सारे वेज आइटम ऑर्डर कर दिए हैं। अब जब मेरा खाना आता है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या है उसमें। बस और 20 मिनट जैसा लगेगा मेरे पास मेरा खाना पहुँचने के लिए, तो वेट करते हैं थोड़ा देर क्या है। फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है, कुछ इतना बड़ा पैकेट है ये। वैसे ऑर्डर करने के बाद आप मेरा टोटल देख सकते हो, 812 रुपए हुआ है। चलो अब टाइम है इसको खोलने का। तो आज सिर्फ आपको हरा हरा डब्बा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि सब कुछ मैंने वेज ऑर्डर करा है। इसमें लगता है मुझे वो मूसे केक और मटपाई होगा, देखते हैं इसमें क्या है। वाह, डब्बे के अंदर डब्बा। तो जिंगर बर्गर के लिए एक अलग से बॉक्स है। ओ भाई ये तो देख लो, ये राइस बाउल है। काफी दिनों बाद मैं ये KFC का राइस बाउल खाने वाला हूँ। ये चोको मटपाई है, बहुत ही डिलीशियस है। ये कुछ मुझसे केक क्या कुछ है, देख लो कुछ ऐसा दिखता है ये तो मम्मी खाएगी, मेरे को ये सब नहीं चलता। सभी का सभी दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, स्पेशली ये जिंगर बर्गर देख लो। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ KFC का ये जिंगर बर्गर, देखता हूँ कैसा है ये। मम्मी सबसे पहले ट्राई करने वाली है ये मूसे केक, कॉफी मूसे केक, मूस केक या मूसे केक ना। तो मम्मी को वो जो मूस केक है या फिर मूसे केक वो पसंद आ रहा है। बहुत दिनों बाद मैं KFC का बर्गर ट्राई कर रहा हूँ, वो भी वेज। सही लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो पैटी है ना, पैटी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अब ट्राई करते हैं हम लोग ये वेज पैटी, देखते हैं ये कैसा है। एक मैं ले लेता हूँ, एक मम्मी को। मम्मी ले लो।
ये जो बर्गर के अंदर पैटी यूज किया गया है ना, यही सेम पैटी यूज किया गया है। केचप के साथ अच्छा लगेगा, कैसा लगा मम्मी? हमको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, केचप के साथ तुम खाओ। बट मुझे ऐसा लगता है केचप रहता ना तो और अच्छा लगता है। अब ये फ्राइज, फ्राइज को अब क्या ही टेस्ट करके बताऊं। और देखो नरम हो गया है। अब देखता हूं केएफसी का ये वेज राइस कैसा है, काफी दिनों बाद इसको भी ट्राई कर रहा हूं मैं। और इनका राइस अगर आप देखोगे ना ध्यान से, देखो ऊपर का जो राइस होता है प्लेन होता है, अंदर में काफी मसाला रहेगा, देख लेना। ये देख लो अंदर में काफी सारा मसाला दिखेगा आपको, तो इसलिए इसको खाने से पहले थोड़ा मिक्स कर लेना। नॉर्मल सा ही लग रहा है, काफी दिन पहले इसको ट्राई किया था तब अच्छा लगा था, अभी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये। और कौन सा मैंने ट्राई किया था मुझे याद भी नहीं है। और ये जो केएफसी का न्यू चोको मटपाई है, इसके बारे में मैंने लास्ट अपने केएफसी वाले वीडियो में बात किया है, काफी टेस्टी था ये, इसको ट्राई भी किया था मैंने। मम्मी बोल रही है एक बार ये वाला ट्राई करके देखो, एकदम क्रीमी सा है। और ऊपर देख रहे हो ना कॉफी पाउडर डाला हुआ है, तो इससे एक अच्छा कॉफी का भी फ्लेवर आ रहा है। लेकिन इन दोनों में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये मटपाई लगा। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से सबको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। मम्मी सबसे अच्छा क्या लगा तुमको? खाने में तो पेटिस लगा हमको। चलो भाई खाना वगैरह हो गया है कंप्लीट, मजा आ गया केएफसी का वेज आइटम सब खाकर। और अभी हेयर बैंड मैंने हटा दिया है, वैसे मैं ये वाला हेयर बैंड यूज करता हूँ। और इससे क्या होता है ना, काफी देर तक पहनने से यहाँ पे काफी दर्द होने लगता है, काफी देर तक पहने रहने से। अगर कुछ अच्छा हो तो सजेस्ट करना, मैं उसको ऑर्डर कर लूंगा ऑनलाइन। फिलहाल पहन ही लेता हूँ मैं। अब ये सब खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिनर करने वाला है, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा, मम्मी भी शायद नहीं करेगी। वैसे आप लोग बताना कि इस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट वाला जो चैलेंज वाला वीडियो था वो मैंने देखा आप में से काफी लोगों को पसंद आया, और मैंने काफी सारा कमेंट भी पढ़ा उसका। ऐसा कुछ कुछ आइडिया देते रहो, जो अच्छा लगेगा वो ट्राई भी करते रहेंगे। ये मेरा दूध भी आ चुका है। वैसे जब मैं दूध लेने गया ना तो मम्मी बोल रही है कि आज केएफसी खाया है, आज दूध मत पियो। फिर मैंने मम्मी को याद दिलाया कि मम्मी आज हम लोगों ने केएफसी का सिर्फ वेज आइटम खाया है, नॉन वेज कुछ भी नहीं खाया। एक्चुअली वो होता है ना, केएफसी का नाम सुन के बस चिकन का ही याद आता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और मम्मी आज केएफसी खाकर कैसा लगा? होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मम्मी आज केएफसी खा, और मम्मी आज केएफसी खाकर कैसे, और मम्मी आज, और मम्मी आज केएफसी इतना दिन बाद खाकर, इतना दिन, और मम्मी आज केएफसी खाकर कैसा लगा? Yeah, get it for rap, for rap, for rap.